हेलो गाइस, तो कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल एजे स्टडी। तो अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी MR के लिए साइंस की क्लास, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले हमने इसका पार्ट वन करवा दिया है, जिसमें पूरा डिटेल स्टडी करवाए हैं। ये पार्ट टू है, जिसमें कि हमने 20 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर ये 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो 20 क्वेश्चन है एग्जाम में आपके बार बार जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। अगर जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले बता दें कि पार्ट वन में हमने कुछ टॉपिक करवाए थे डिटेल स्टडी के, जो कुछ टॉपिक बच गए थे उसको अभी हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए कुछ टॉपिक जो बचा हुआ है पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे सबसे पहले जनित्र या डायनवो, जनरेटर और डायनवो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए जनित्र या डायनवो के बारे में जान लेते हैं। तो यह एक चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनवो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे कि डायनमो को बदला जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा आप लोग को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और दो तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर टिक मारना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनवो को किस में बदलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद करिएगा। चलिए अगला बात हम करते हैं यहाँ पर विद्युत मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। यह एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ये आ सकते हैं, जैसे विद्युत मोटर को बदला जाता है, ये पूछा जाएगा तो हो जाएगा आंसर विद्युत ऊर्जा से को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक ना? या ये पूछा जा सकता है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। इनसे दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लेना, याद कर लेना, और वीडियो में इन तक जरूर बने रहना। अगर इन तक आप लोग बने रहते हो वीडियो में, तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जो कि हम आप लोग को अंत में बताएंगे। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहना। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड जो ज्यादा क्वेश्चन है यही पूछा जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन, ठीक ना? तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए, यदि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर का जो काम होता है ना, वो क्या होता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है, और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है, ये ट्रांसफार्मर। अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ठीक ना? अब चलिए हम अगला टॉपिक है लघुपतन शॉर्ट सर्किट। आप लोग ध्यान देना, शॉर्ट सर्किट होता क्या है? तो जीवित तार और उदासीन तार के प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आ जाने से अचानक धारा का, यहां पर हो जाएगा मान, आप लोग ध्यान देना, मान बढ़ जाता है, इस स्थिति को लघुपतन कहते हैं, ठीक ना? इस स्थिति में आग भी लग सकती है, ठीक ना? लघुपतन जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय आग लगने की भी संभावना होती है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना? अगला जो हमारा टॉपिक है वो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर है विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक ना? तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। तो विद्युत फ्यूज सुरक्षा की एक युक्ति है, जिसका प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आप लोग को पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किस लिए किया जाता है, ठीक ना? अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह तांबा, टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है, ठीक ना? विद्युत फ्यूज होता है जो कि तांबा, टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। जब कभी परिपथ में अतिभारण, ठीक ना, ओवरलोडिंग या लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है, तब फ्यूज तार गर्म होकर गल जाता है, जिसके कारण परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है, और उसमें लगे सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, बल्ब आदि जलने से बच जाते हैं, ठीक ना? फ्यूज लगाने के यही फायदे है ना, कि जैसे ही फ्यूज में क्या होते हैं,
उसमें धारा प्रवाहित होती है और फ्यूज का तार गर्म हो जाता है और वो गल जाता है, और जो उसमें परिपथ परिपथ क्या होता है उसका टूट जाता है, जिससे क्या होते हैं जो भी चीज़ जैसे कि टीवी पंखा बल्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जलने से बच जाता है और फ्यूज क्या हो जाता है उड़ जाता है। इसी से ये क्या होता है टीवी पंखा बल्ब बच जाते हैं। तो आप लोग विद्युत फ्यूज को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देखिए आप अगला जो विद्युत फ्यूज में पढ़ना है, इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होते हैं। किसका? विद्युत फ्यूज के। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए जो हमारा क्वेश्चन है टॉप 20 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, अब उसको देख लेते हैं। उससे पहले बता दें वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके कम से कम इसे 3 ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और जो भी बंदे हमारे साथ नए जुड़े हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो रोज मैं लेकर आते रहता हूँ। आप लोग इतना जरूर कर देना, ठीक ना। चलिए अभी आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और चलिए टॉप 20 जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कम से कम इन तो 5 बार से ज़्यादा भी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कुलाम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी जूल। अगर आप इनका आंसर जानते हो ना तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। हाँ, और पार्ट 1 अभी तक इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अप्लीकेशन का नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या इंड स्क्रीन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट भी बना रखे तो आप जाके वहाँ से ज़रूर देख लेना। इनसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखना मत मिस करना, ठीक है। तो आप जाके जरूर देख लेना। चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो नंबर सवाल, आप लोग ध्यान देना। विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी क्रोमिनियम, ऑप्शन डी नाइक्रोम। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, तीन नंबर सवाल, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी वेबर प्रति मीटर और ऑप्शन डी वेबर। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, या कभी कभी आप लोग को वोल्ट प्रति मीटर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो जो हो उस पर आप लोग टीक लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर, और 4 नंबर सवाल है, आप लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये और आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त तत्व है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, ठीक ना। 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन हो जाएगा। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त जो तत्व होता है वो होता है सिलिकॉन होता है, ठीक ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, और 5 नंबर सवाल है, न्यूमेरिकल है, आप लोग ध्यान से देखना अभी न्यूमेरिकल और समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि एक 5 ओम का प्रतिरोध 25 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी, ठीक है ना। तो आप लोग से धारा पूछ रहा है, करंट क्या होगी वो पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग को 5 ओम दे दिया गया है, ठीक ना। क्या है? 5 ओम का प्रतिरोध है, मतलब रेसिस्टेंस आप लोग को 5 ओम दे दिया गया है। यहाँ पर वोल्ट आपको 25 वोल्ट दे दिया गया है, तो आप लोग से पूछ रहे धारा क्या होगी, करंट क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट पार्ट में हमने ओम का नियम पढ़ाए थे, अभी वही से इसको हम बनाएंगे। तो ओम का नियम क्या होता है? तो वी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर होता है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमको? धारा का मान निकालना है, तो आई यहाँ पर लिख लेते, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? वी बाई में आर हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग को आर का मान ये यहाँ पर दिया हुआ है 5 ओम, और वी का मान आप लोग को दिया है यहाँ पर 25 वोल्ट। तो यहाँ पर आप लोग मान रख दीजिए, वी का मान कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पर लिख देते हैं 25 वोल्ट, और यहाँ पर नीचे में आर का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। 5 से कितने मरतबे कट जाएगा? 5 मरतबे, 25, ये कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर। देखिए 5 एम्पियर कौन सा ऑप्शन में है, तो आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आप लोग बहुत बढ़िया
बढ़िया ढंग से समझे होंगे। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया ना तो कम से कम वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना आप लोग, ठीक ना। क्योंकि जितने भी बंदे देख रहे हो ना उतना बंदा लाइक नहीं करते हो आप, मुझे विश्वास है कि जो भी बंदे देख रहे हो ना सभी लाइक कर दिए होंगे, ठीक ना। और शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर और ये भी न्यूमेरिकल है, तो आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या कहता है? बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि बल्ब का प्रतिरोध करें, यहां पर विद्युत बल्ब दे दिया कितना 100 वाट दे दिया। सबसे पहले तो हम इसका पावर निकाल लेते हैं, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू आई, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग को क्या दे दिया है, पावर कितना दिया है 100 वाट दे दिया है ना, तो यहाँ पर हम 100 वाट लिख लेते हैं। और वोल्ट आप लोग को दे दिया है 200, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 200 हमने कर लिया, ठीक ना, 200 लिख दिए। और हम लोग को धारा मालूम नहीं है, आई हम लोग को मालूम नहीं, तो यहाँ पर आई को आई छोड़ देते हैं, ठीक। चलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा में 200 हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, गुना में इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा कितने मरतबे, 2 मरतबे कट जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब आई का जो मान आ गया वो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देखना, ओम के नियम से आप लोग हम चलेंगे, भी बराबर हो जाएगा आई इंटू में आर हो जाएगा, ठीक ना। भी आप लोग को यहाँ पर कितना है, 200 है, तो 200 फिर से रख देते हैं, ठीक ना। आई का मान कितना है, 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 कर देते हैं और इंटू आर कर देते हैं, ठीक ना, रेसिस्टेंट कर देते हैं। अभी देखिएगा आप लोग, अब हम कैसे बनाते हैं इसको आगे। अब यहाँ से कर देते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक ना। और मुझे उम्मीद है कि ये भी न्यूमेरिकल आप लोग को बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक ना। अगर समझ में नहीं आए तो कॉमेंट सेक्शन का लिए वहाँ हमें भर के कॉमेंट करना, फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। और 7 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। विद्युत धारा का मात्रक है, ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है टेस्ला। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 8 नंबर। और 8 नंबर सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहे हैं 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सोना। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चांदी। निम्न में से चांदी है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ठीक ना, तो इसे आप याद करना। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसे अच्छे तरह से याद कीजिएगा, नोट बनाते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। और 9 नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है, ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा में और ऑप्शन डी है ऑल, मतलब इनमें सभी। 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जाता है सभी ऊर्जा में, ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा में भी, विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में भी, और ऑप्शन नंबर डी ऑल हो जाएगा, ठीक ना, तो यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। और 10 नंबर सवाल है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। विद्युत घंटी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 11 नंबर। और 11 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपके जो एग्जाम में सवाल जो पूछा जाता है इनसे रिलेटेड ना, वो ज़्यादातर मात्रक पूछा जाता है, या पूछा जाएगा इनका उपयोग पूछा जाएगा, या वो किस तार का बना होता है या किस धातु से बना होता है, आप लोगों को कोई यंत्र देता है वो पूछा जाता है, ठीक ना। तो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ करवा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन और बचेंगे इंपॉर्टेंट उसे प्रैक्टिस सेट में हम करवा देंगे। ऐसे तो पूरा क्वेश्चन हमने यहीं पर डाल दिया, तो आप लोग को थोड़ा सा टेंशन मत लेना, बस इतना रट के जाओ इनसे रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। 11 का ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी कूलम और ऑप्शन डी वोल्ट। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट। विद्युत शक्ति का
जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और जो भी बंदे पार्ट वन देखे होंगे इनका इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल क्लास, वो पूरा ये क्वेश्चन को कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 12 नंबर। और 12 नंबर सवाल है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है? अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ाया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है, ठीक ना। ऑप्शन ए प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक, ऑप्शन ए प्रतिरोध कम तथा गलनांक कम, ऑप्शन सी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम, और ऑप्शन डी है प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक अधिक। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से हमें बता दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक या प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक कम, ठीक ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अभी ऊपर भी हम पढ़ाए थे, फ्यूज जब पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़ा दिए थे इस बात को, ठीक ना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसे ध्यान में रखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 13 नंबर। और 13 नंबर सवाल है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन सी है वैद्युत ऊर्जा, और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है जो कि वैद्युत ऊर्जा है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 14 नंबर। और 14 नंबर सवाल आप लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बोल रहा है कि यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनके तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है R1 प्लस में R2 बाई R1 इंटू R2, ठीक ना। ये ऐसे करके लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाय का चिन्ह दे दिया, आप लोग देख लेना। ऑप्शन बी है R1 प्लस R2, ऑप्शन सी है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और ऑप्शन डी है R1 माइनस R2। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस में R2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक ना। यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है वो R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आवेश आवेश है, ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव, ऑप्शन बी प्रोटोनों का प्रभाव, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों का प्रभाव, और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। जो भी बंदे फर्स्ट क्लास किए फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताओ, क्योंकि वहां पर हमने आवेश का जब डिफिनेशन करवाया था तो वहां पर इस बात को हमने बताया था, तो आप लोग जल्दी से बताओ। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम बता दे रहे हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। आवेश है जो कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 16 नंबर। और 16 नंबर सवाल है नोमेरिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है, इस नोमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के मध्य निम्न प्रतिरोध जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो पार्ट वन जो भी नहीं देखे उनको ये नोमेरिकल समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग जाके पार्ट वन ज़रूर देख लेना, ठीक ना। सबसे पहले इसमें जो होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम, तो दो होते हैं इसमें, ठीक ना। और दोनों का जब तक आप लोग अच्छे ढंग से समझोगे नहीं तब तक ये आप लोग को नहीं बनेगा, लेकिन हम यहाँ पर जो भी नहीं देखे उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जाके उसे देख ज़रूर लेना, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग श्रेणी क्रम का आप लोग डिफिनेशन सोचो क्या होता है, तब बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसे आप लोग ट्राई करके सबसे पहले देखो बन जाए तो ठीक है, अभी समझा देते हैं आप लोग को। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधों का जो तार होता है वो एक ही लाइन में जुड़ा होता है, तो ऐसे हम इससे पता कर लिए कि ये ऊपर वाला जो लाइन है वो श्रेणी क्रम में है, जबकि समांतर क्रम में भिन्न भिन्न प्रतिरोध का जो तार होता है वो भिन्न भिन्न तारों से जुड़ा होता है, तो ये अकेला जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए कि कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक ना। अब चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में जो ये श्रेणी क्रम में है उसको निकाल लेते हैं। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखाए थे, R बराबर R1 प्लस में R2 फिर R3, ठीक ना। तो यहाँ पर जितना दिया हुआ है बस उतना ही अंक को लिखेंगे, तो यहाँ R1 है और ये R2 है, R3 यहाँ पर नहीं दिया तो हम R3 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। जितना अगर यहाँ पर R4 रहता तो हम R4 तक ले जाते हैं, R5 रहता तो R5 तक ले जाते हैं, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो R1 आप लोग को कितना दिया है, 10 दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर R2 आप लोग को कितना दिया है, 10 ओम दिया है, ये ओम है, यहाँ पर 10 ओम 10 ओम, तो कितना हो गया, ये हो गया 20 ओम, ठीक ना। 10 ओम 10 ओम कितना हो गया, 20 ओम। तो ये जो हम निकाले ये क्या है, श्रेणी क्रम समूह ने, ठीक ना, ये श्रेणी क्रम हम निकाले हैं, तो ये श्रेणी क्रम जो हमारा वो आ गया कितना आ गया, 20 ओम आ गया, ठीक ना। और नीचे में भी आप लोग देख लीजिए, ये भी 20 ओम है, समांतर क्रम भी है जो कि 20 ओम है, श्रेणी क्रम भी हमारा 20 ओम आया है, और समांतर क्रम नीचे कितना दिया है, 20 ओम दिया है। तो अब चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, समांतर क्रम निकाल लेते हैं, ठीक ना। दोनों समान है तो अब हम समांतर क्रम निकालेंगे, ठीक। तो चलिए इसके करने के बाद आप लोग हम समांतर क्रम निकाल लेते हैं। तो समांतर क्रम का
जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3 एन तक हम ले जा सकते हैं, जितना अंक दे उतना तक आप लोग ले जाना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ही अंक है, एक 20 है और दूसरा भी क्या है 20 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे वही अंक को लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठा लेते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस में 1/r2। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये कितना आया 20 है, r2 है और ऊपर में आया था कितना हम जब निकाले थे तो ये भी 20 आया था, तो ये r1 हो जाएगा। तो 1/r1 बराबर क्या हो गया 20 हो गया, 1/r2 बराबर ये भी क्या हो गया 1/20 हो गया। जब 20 कैल्शियम लोगे तो 20 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में 1, यहाँ भी 1, ठीक है ना। 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2/20 हो गया, ये कट के कितना हो जाएगा 1 से 2 जब काटेंगे 20 को तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर में 1/r, ठीक ना। तो कितना आ गया ये बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, r बराबर हो गया 1/10। अब देखिए जल्दी से नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम समझा रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या आया हमको, जब हम इसको सॉल्व किए तो आ गया 1/r बराबर में 1/ कितना आ गया 10 आ गया ना, इतना आ गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे कि हमने बताए थे कि फर्स्ट पार्ट जब पढ़े थे तो उसमें बोले थे कि यहाँ पर जो पूछेगा वो हमसे क्या पूछता है, प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध बोलता है, तो R जो नीचे रहता है वो R कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, R को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इधर वाला भी अंक क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और क्या है रेजिस्टेंस निकालने तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है, तो इसमें ओम लगा देते तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 10 ओम कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग को दिख रहा होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है और बहुत बंदे छोड़ देते हैं, बहुत इजी है, बस इसका दोनों का क्या करना है श्रेणी समूह श्रेणी क्रम इसमें निकालिए, फिर इसका जब श्रेणी क्रम 20 आ गया निकाल के तो फिर इसको क्या करना है समांतर क्रम में निकाल लेना है, फिर उसको क्या कर देना है पलट देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट सेक्शन खाली, वहां पर भर के कमेंट करो, सभी के कमेंट का रिप्लाई देने की हम कोशिश करेंगे अगर नहीं समझते हो तो, ठीक ना। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से इसे 3 ग्रुप में शेयर कर दो आप लोग, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर सवाल भी न्यूमेरिकल है तो आप लोग ध्यान देना। कह रहा है क्वेश्चन कि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यहां पर क्या बोला है समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ना, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर में हम बता दिए 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये क्या बोला है 1 ओम है और कितने प्रतिरोध 10 प्रतिरोध, तो 1/r1 1/r2 हो जाएगा, ऐसे ही करके कितना तक 1/r10 तक जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 10 प्रतिरोध बोला है तो वो r10 तक जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना कितना ओम है, 1 ओम है, तो सबके नीचे अगर हम एक कर दें 10 तक एक करेंगे तो जब पूरा का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी तो एक ही आएगा ना, और ऊपर में क्या जाएगा जब ए पूरा को जोड़ोगे 10-10 तक 1-1 करके 10 तक जोड़ोगे तो पूरा 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और 10/1 हो जाएगा, तो ये इधर क्या हो जाएगा 1/r1, जब r को ऊपर करोगे तो ये एक भी ऊपर जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/10 ओम हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर बी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा 1/10 ओम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 18 नंबर, और 18 नंबर सवाल है फ्यूज तार किस धातु का बना होता है, ऑप्शन ए क्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी गन मेटल और ऑप्शन डी है तांबे। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन मेटल। फ्यूज तार होता है जो कि गन मेटल का बना होता है, ठीक ना, जिसमें कि सीसा, टीन और तांबा होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक ना। ऊपर में हम बताएं, ऊपर में आप लोग पढ़ लेना फिर से एक बार, ऐसे ही गन मेटल में वो तीनों चीज आ जाता है जो कि ऊपर में हमने पढ़ाया है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, और 19 नंबर सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रही है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी गन मेटल और ऑप्शन डी है पीतल। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना और याद कर लेना ये क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी महो, ऑप्शन सी महो प्रति मीटर और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महो प्रति मीटर। चालकता का जो एसआई मात्रक है वो महो प्रति मीटर है। तो आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आते हैं और अगले बार भी ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत है ना इनसे रिलेटेड या कोई भी टॉपिक पर तो कमेंट सेक्शन खाली आप हमें कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग को होने वाला है, इसका जो
पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप एसजी स्टडी सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाके, या लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन हो जाना, ठीक ना। और वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जो भी बंदे नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग को एंसर शीट भी देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।